हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग गेट एक्सेल केमिस्ट्री का सिलेबस कर रहे हैं, और इसमें भी मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए, जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा। तो हम लोगों ने मेजर SN1, SN2, E1 और E2 ये कर लिया है। आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रेडिकल रिएक्शन। तो आज इसको समझते हैं, चलिए तो शुरू कर रहे हैं आज का ये सेशन। रेडिकल रिएक्शन का मतलब क्या है और ये कब फॉर्म करता है? देखिए, जब भी कोई रिएक्शन होगा, जैसे दो तरह के ब्रेकडाउन रिएक्शन होते हैं या लाइसिस रिएक्शन होते हैं, ये कब प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस्ड होता है प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग होमोलाइटिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पर दो तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे कोई होगा ए और ए, ये आपस में दो मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर रहे हैं, और दूसरा है ए और बी, ये मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर रहे हैं। जब यहाँ पर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से कम हो जाए, ई ए लेस हो जाए ई बी से, तो ये जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को ले लेगा। इस केस में ए बी हेट्रो, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा ब्रेकडाउन करने के बाद में, लाइटिक होने के बाद में? ये ए प्लस और बी माइनस, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अपने तरफ ले लेगा, और इसके पास में डिफिशियंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जो ए प्लस में होगा। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं हेट्रोलाइटिक रिएक्शन या ब्रेकडाउन, या ब्रेकडाउन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है। तो दो तरीके से ब्रेकडाउन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, एक तो हेट्रोलाइटिक हो, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो जिसमें एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और दूसरे का ज़्यादा हो। जिसका एग्जाम्पल एक ले सकते हैं CH3Br, ये यहाँ पर ये क्या है हेलोजन, और ये है कार्बन। यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा हेलोजन के कंपैरिजन में, तो ये जब ब्रेकडाउन करेंगे, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन कोवलेंट बॉन्ड था वो ब्रेकडाउन जब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर CH3+ और Br- बनेगा, ये बनेंगे और ये बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होता जब हेट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है, लेकिन होमोलाइटिक का मतलब है कि सेम मॉलिक्यूल, यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी, ई ए और ई ए दोनों का सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, ये दोनों क्या करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। हेट्रोलाइटिक में क्या था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर बनेगा ए, उसमें डॉट दिखाएंगे, ये वन इलेक्ट्रॉन है और दूसरा वाला ए दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो या तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के बीच में बने, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे कार्बन कार्बन इस तरह का, तो दोनों के सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होंगे, या क्लोज टू ईच अदर, यानी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोज टू ईच अदर हो, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। तो जब इनका बॉन्ड ब्रेक करेगा अल्केन के केस में, तो एक C+ बनेगा और दूसरा बनेगा H+, क्योंकि ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ले लेंगे, दोनों के इक्वल पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन को रखने की, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं होमोलाइटिक। तो एक बात ये समझ में आया कि होमोलाइटिक ब्रेकडाउन में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला चीज़ समझे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पहला, तो अब हम लोग कैरेक्टर के बारे में आ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, पहला फीचर क्या है कि ये होमोलाइटिक रिएक्शन, होमोलाइटिक ब्रेकडाउन या इसमें बनेगा, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर क्यों होंगे इलेक्ट्रॉन? देखिए, कार्बन के पास में ऑलरेडी इनके पास में 6 है और ये एक आ गया 7, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें 6 से 7 हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके, तो ये क्या हो गया ऑड नंबर।
और ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये पारामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, इसको हम कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। नेक्स्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होगा कि क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो ऐसे लगता है लोगों को कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, नहीं, इनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर तो 7 ही हैं, 6 + 1 = 7, तो ये तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा इनको इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए या स्टेबल होने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा डेफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होगा स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट अगर इसके बारे में बात करें कि ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते थे जेड वैल्यू से, केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा जो जिसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, पेयर का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये नंबर ऑफ सिग्मा, तो ये तो हमेशा ऑड में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं, जैसे CH4 ये है, और जब इसके ऊपर मैंने कोई रिएजेंट डाला जैसे हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएंगे, CH3 + H+। ये दोनों फ्री रेडिकल फॉर्म के, इस फ्री रेडिकल को क्या बोल रहे हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल, और इस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो होमोलाइटिक टाइप से ये होगा। ठीक है, तो ये दोनों रेडिकल फॉर्म के। अब यहाँ पर इसमें देखें, सी 3 हाइड्रोजन ऐसे अटैच होंगे तो इनके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ सिंगल है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 3, और एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो यानी 1/2 पेयर, ये पेयर हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 3.5। तो 3.5 का लिए क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर जेड की वैल्यू आती थी, जैसे जेड की वैल्यू आ जाए 2, तो sp, जेड की वैल्यू 3 तो sp2, जेड की वैल्यू 4 तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो 2 की वैल्यू तो sp3 की वैल्यू sp2, 4 की sp3, लेकिन ये तो 3 है ना तो 4 है, ये तो दोनों के बीच का आ गया, तब इसका कैसे। तो यहाँ पर समझना है कि जब अल्कीन के बारे में, जब भी फ्री रेडिकल अल्कीन से बनता हो, जैसे ये CH3 मिथाइल रेडिकल है, इथाइल रेडिकल है, ठीक है, यह प्रोपेनॉइल आइसोप्रोपेनॉल रेडिकल है, CH3 ये रेडिकल है, तो इस तरह से जब रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, तब इस केस में हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 लिखते हैं, यानी ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर यहाँ पर CCl3 ये फ्री रेडिकल बना, या CF3 ये फ्री रेडिकल बना, तो इस केस में इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, और sp3 में ये टेट्राहेड्रल नहीं फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करते हैं पिरामिडल शेप, यानी इनका शेप पिरामिड की तरह होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर आ रहे हैं नेक्स्ट। तो ये तो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर लिया, फिफ्थ नंबर, सिक्स के बारे में आ रहे हैं। सिक्स में हम लोग आएंगे कि यहाँ पर जो रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, समटाइम दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जैसे क्लोराइड फ्री रेडिकल है, दूसरा क्लोराइड फ्री रेडिकल मिलकर क्लोरीन बना दिया, फिर H हाइड्रोजन फ्री रेडिकल प्लस दूसरा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मिलकर हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर दी, इस तरीके से। तो ये जब समटाइम क्या होते हैं, दो फ्री रेडिकल मिलकर स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आ रहे हैं सेवन्थ नंबर, समटाइम ये स्टेबल मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करके एक नया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, न्यू टाइप ऑफ स्पीसीज। तो CH3 ये डिसोसिएट हो सकता है, अगर ये हाई टेम्परेचर पे हो रहा है तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, CH3, और यहाँ से कैसे हो सकता है, ये किस में कन्वर्ट करेंगे, CH3 और H+ रेडिकल, और ये Cl है, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, फॉर्म करेगा CH3 Cl प्लस
एच यहाँ पर ये फ्री रेडिकल नहीं हुआ, ये स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, तो दूसरा फ्री रेडिकल फॉर्म कर दिया, पहला दूसरा था और नेक्स्ट वाला दूसरा है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। अब आ रहे हैं समटाइम ये भी हो सकता है कि लेस स्टेबल वाले फ्री रेडिकल मोर स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म करते हैं विद द रिलीज ऑफ न्यूट्रन मॉलिक्यूल, ये भी हो सकता है। एट नंबर, अब आ रहे हैं नाइन्थ नंबर, कंडीशन फॉर फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के क्या क्या कंडीशन है। तो पहला तो हाई टेम्परेचर मैंने बताया हुआ है, हाई टेम्परेचर मोर देन ग्रेटर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा यूवी लाइट का एक्सपोजर हो, यूवी लाइट तब बनेगा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। तीसरा इलेक्ट्रिक, हाई इलेक्ट्रिक करंट हो तब बनेगा। फोर्थ पेरोक्साइड कहीं पर दिया हुआ है तब ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, दैट इज H2O2। और पांचवा अगर कोई पहले से फ्री रेडिकल है, सिर्फ फ्री रेडिकल, तो वो भी फॉर्म कर सकता है। देख ही रहे हैं ये वाला रिएक्शन, यहाँ पर फ्री रेडिकल है, दूसरा फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा है, ये पहला रेडिकल, दूसरा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये पांच तरीका हो सकता है जिससे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो सकता है। बस फ्री रेडिकल के बारे में इतना समझते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में, कैसे स्टेबलाइजेशन होगा। तो पहला, अगर यहाँ पर दिया हो CH3, ये एक फ्री रेडिकल है, दूसरा फ्री रेडिकल है CH3 H2, ये CH3 CH2, ये और CH3, ये चार फ्री रेडिकल है A B C एंड D। यानी यह है टर्सरी फ्री रेडिकल, यह सेकेंडरी, यह है प्राइमरी, यह है मिथाइल। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा फ्री स्टेबिलिटी किसका होगा, देखिए यहाँ से आपको। अब स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों ने पहले से कार्बोकेटाइन वाला SN1 में बताया था, SN1 का वीडियो में कार्बोकेटाइन में बता रहा था कि स्टेबिलिटी डिसाइड होता है तीन फैक्टर को देखकर। सबसे पहले रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद में आएगा हाइपर कंजुगेशन, अल्फा पोजिशन पे, बीटा पोजिशन पे हाइड्रोजन का नंबर काउंट करते हैं, और तीसरा होगा इंडक्टिव इफेक्ट या इंडक्शन या इंडक्टिव इफेक्ट। ये तीनों, तो या तो हो रेजोनेंस, या तो हाइपर कंजुगेशन, या तो इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस तो नहीं होगा। हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, यस। ये वाला अल्फा, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन से अटैच है, बीटा पर ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये अल्फा हो गया बीटा, तो बीटा पे कितने हैं, तीन यहाँ और तीन यहाँ, तो यहाँ पर तो 9 हाइड्रोजन के नंबर है, हाइपर कंजुगेशन 9 है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये बीटा, तो यहाँ पर सिर्फ 6 हाइड्रोजन। ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, बीटा पोजिशन में हाइड्रोजन का नंबर काउंट कर लेना, 3। यहाँ पर कोई भी बीटा में नहीं है, 0 हो जाएगा बीटा पोजिशन में। तो हाइड्रोजन के नंबर यहाँ पर 3, यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर, तो 9 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद में 6 वाला, उसके बाद में 3 वाला। यानी टर्सरी जो भी होंगे फ्री रेडिकल, अल्काइल, टर्सरी अल्काइल फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, प्राइमरी में मिथाइल, देन मिथाइल, ठीक है। अब आ रहे हैं सेकेंड टाइप, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर एलाइल, फिर CH3CH2 के बारे में, और CH3, ये फ्री रेडिकल है यहाँ पर, ये। तो अब हम लोग यहाँ पर कैसे देखेंगे, ये एलाइल, एलाइल है, ये इथाइल है, और ये वाला मिथाइल है, मिथाइल रेडिकल। अब देखिए इसको मिथाइल है तो मिथाइल फ्री रेडिकल बोल देंगे, यहाँ पर इसको क्या नाम होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, इसका इथाइल फ्री रेडिकल, और इसका एलाइल फ्री रेडिकल। तो ये तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, रेजोनेंस हो सकता है क्या फर्स्ट में, देखिए रेजोनेंस हो सकता है। ये है पाई सिग्मा, और ये है सिंगल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पर कंजुगेशन हो सकता है, यस, ये कंजुगेशन है, यानी यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस पॉसिबल है, तो रेजोनेंस यहाँ पर होगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है। उसके बाद में ये आ जाते हैं अल्फा, ये आ जाते हैं बीटा, बीटा पोजीशन पे भी यहाँ पर, यानी हाइपर कंजुगेशन भी होगा। यहाँ पर ये आ रहे हैं अल्फा, यहाँ पर बीटा, बीटा में यहाँ पर सिर्फ हाइपर कंजुगेशन होगा।
लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं, सेकंड वाले में क्या होगा, रेजोनेंस कुछ भी नहीं है। तो अगर सिर्फ रेजोनेंस को देखें तो रेजोनेंस सिर्फ एक में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद ये वाला स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आ गए बीटा पोजीशन पे, थी तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया इसके कंपैरिजन में। ठीक है, थर्ड आ रहे हैं। थर्ड में एलाइलिक के साथ में यानी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये फ्री रेडिकल है एलाइलिक, और उसके साथ में बेंजाइल दिया हुआ है। यहाँ पर ये बेंजाइल है और इसका CH2 फ्री रेडिकल। अब इन दोनों में पूछा जाए तो यहाँ पर रेजोनेंस तो हो रहा है, ये रेजोनेंस तो है, यहाँ भी रेजोनेंस है, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड सिग्मा फ्री रेडिकल, रेजोनेंस यहाँ भी होगा, कंजुगेशन दोनों जगह है, लेकिन मोर रेजोनेंस का स्ट्रक्चर कहाँ पर होगा, यहाँ पर सिर्फ दो बनेंगे और यहाँ पर कितना बनेगा, एक दो तीन और एक को, ये खुद चार है, तो चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये कौन सा बनेगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ दो बन सकता है, ये एक और एक पहले से बना हुआ, तो यानी दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल दैट कंपाउंड इज, तो वो भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले में। तो ये जो थर्ड है ये ज़्यादा, थर्ड में बेंजाइल वाला, बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू एलाइलिक वन। होप्स ये समझा, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल है बेंजाइल। अब आ रहे हैं नेक्स्ट फोर्थ, एक और एग्जांपल ले लें। तो अब यहाँ पर हम लोग एक सीरीज का, सीरीज को समझ लेते हैं, सीरीज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो इसमें सबसे पहला आएगा बेंजाइल वाला यानी C6H5 3, ये सबसे ज़्यादा होगा स्टेबल, तीन तरफ से इसको क्या मिल रहा है, एरोमेटिक, तो रेजोनेंस उतना ज़्यादा होगा। उसका C6H5 2 CH, ये सेकेंडरी, उसका C6H5 CH2 सिर्फ प्राइमरी बेंजाइल, उसके बाद में आएगा एलिलिक CH यहाँ पर 2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पर CH3 C, टर्शियरी अल्काइल, उसके बाद में आएगा CH3 2 CH सेकेंडरी, उसके बाद में CH3 CH2 यानी ये प्राइमरी हो गया, और उसके बाद में सबसे कम, सबसे लिस्ट स्टेबल मिथाइल फ्री रेडिकल। तो सबसे स्टेबल ट्राई फिनाइल या ट्राई बेंजाइल फ्री रेडिकल और सबसे अनस्टेबल मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं या एग्जांपल। जैसे एक इसके बीच में दिया हुआ, ये बेंजीन रिंग है, उसके बाद में दूसरा है लेकिन यहाँ पर इस तरीके से है, यानी यहाँ पर CH3 है, उसके बाद में तीसरा है सिर्फ ये, ठीक है, ABC। अब इसमें पूछा जाए कि ये फ्री रेडिकल जो फॉर्म कर रहा है इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पर, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो सिर्फ एक, यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ये यहाँ पर है, यानी ये पाई है, सिग्मा है, फिर फ्री रेडिकल है, इसका मतलब है ये तो हाइपर कंजुगेशन है, तो हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से यहाँ पर ये बढ़िया कंजुगेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये यहाँ पर कंजुगेशन यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये रेजोनेंस होगा, प्लस यहाँ पर देखिए एक CH3 है और CH3 प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा, यानी प्लस आई इफेक्ट से ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर भेजेगा भी, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी है, यहाँ दो है, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस प्लस इंडक्टिव, यहाँ रेजोनेंस भी नहीं और इंडक्टिव भी नहीं, तो इसका मतलब है कि अगर ABC लिखें तो सबसे स्टेबल होगा B, देन C, देन A, ये ऑर्डर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ पर दूसरा हम लोग कर सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, यानी यह हो गया एलाइलिक फ्री रेडिकल और दूसरा कंपैरिजन इसका बेंजाइल के साथ में, पर बेंजाइल के साथ में यहाँ पर CH3 भी लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर रेजोनेंस तो होगा, यहाँ भी रेजोनेंस है, दोनों रेजोनेंस है CH2, देन उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल। तो ये जब स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करेगा, रेजोनेंस के साथ में इंडक्टिव इफेक्ट, यानी ये ज़्यादा होंगे इसके कंपेरिजन में, तो यहाँ पर भी इज ग्रेटर देन। तीसरा कि अगर ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फिनोलिक हो CH2, उसके बाद दूसरा हो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है CH2 और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है, तीसरा वाले में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और इस तरफ में इलेक्ट्रॉन, इस तरफ भी डोनेटिंग ग्रुप हो, और चौथे वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो और साथ में यहाँ पर OH, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर ABC, अब इसका पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कौन करेगा। तो देखिए यहाँ पर सब में तो रेजोनेंस होगा, ये सब रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, सब में रेजोनेंस होगा। अच्छा, ऊपर में सब इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करेगा, ये इफेक्ट भी सब में है। तो ये वाला और रिंग वाला को हम लोग को देखना ही नहीं, सब में सेम है, हम लोग को नीचे की तरफ देखना है पारा पोजिशन पर। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ एच है, ठीक है। यहाँ पर NO2 है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन तो पहले इसके पास डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो माइनस आई इफेक्ट फ्री रेडिकल को अनस्टेबलाइज कर देगा। तो एक बार तो समझ में आएगी, सब में से सबसे लीस्ट वाला होगा बी, सबसे लीस्ट। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी प्लस आई है। तो अब तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर विड्रॉइंग है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा उसके बाद। अब इन दोनों में समझना है कि ज़्यादा कौन होंगे। देखिए यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, लेकिन प्लस आई इफेक्ट में यहाँ पर इसके पास मेसोमेरिक इफेक्ट भी होगा। मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब है ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको रिंग में भेजेगा ज़्यादा, जिसकी वजह से मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। तो मेसोमेरिक स्ट्रक्चर को जब कंपेयर करना है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट जीतता है किसके ऊपर, अगर इंडक्टिव इफेक्ट से कंपैरिजन करें। इसलिए यहाँ पर डी ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्म करेंगे कंपेयर टू सी। होप सो ये समझा। तो इसका ऑर्डर होगा DCAB। चलिए बस, तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फ्री रेडिकल भी इसी के साथ में कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग शुरू करेंगे एडिशन रिएक्शन। अगर मैं शेयर कर सकूँ गेट का सिलेबस, कंपलसरी पेपर है गेट का इस साल का 2021 का, तो इसमें हम लोग सेकेंड पेज पर आ जा रहे हैं। ये हम लोग कर रहे हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी कोरिलेशन एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अभी तक क्या क्या कर दिया, एसिड बेस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरियो केमिस्ट्री, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक टॉटिमरिज्म, कंफर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, एलिमेंट्री S1, S2, E1, E2, और आज हम लोगों ने फ्री रेडिकल कंप्लीट किया। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हॉफमैन एंड सेजेफ रूल भी बता दिया है मैंने E1 एलिमिनेशन में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शन के बारे में। चलिए तो आज के वीडियो में बस यहीं था। बाय बाय, टेक केयर।